हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो जो शादी ब्याह में बनाते हैं ना हलवा, ये बिल्कुल उस तरह से। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया है और इसे हमने बॉयल करके छिलका निकाल लिया है। इसे हम फॉर्क से छेद कर लेंगे ताकि पकने के बाद जो ग्रेवी है जो इसके अंदर आसानी से जा सके। और इसी तरह हम सारे आलू को छेद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। जब भी आप कोई सब्जी बनाते हैं तो सरसों का तेल में ही बनाए, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो तेल हमारा गर्म हो गया, तो मैंने इसमें आलू को डाल दिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम इसी तरह मिलाते रहेंगे। तो आलू हमारा गोल्डन ब्राउन का हो गया, तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर एक लंबे टुकड़ों में मैंने टमाटर और प्याज दोनों को काट लिया है। और यहाँ पर सेम कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और चार मैंने हर लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने इसमें डाला है। और इसमें हम टमाटर और प्याज को डाल देते हैं और 2-3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हम ढक्कन से इसे ढक देते हैं ताकि टमाटर और प्याज हो जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर प्याज है जो सॉफ्ट हो गया है, तो फिर से हम इसे मिला लेते हैं और इसे हम मिक्सी में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ तेल डाला है। इसमें मैंने खड़ा मसाला लिया है, तेजपत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा जीरा, सबको हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम मिला लेते हैं। और ये पिसा हुआ पेस्ट को हम इसमें डालेंगे। 2 मिनट तक हम इस तरह इसे भी मिलाकर भून लेते हैं। एक चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, एक चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है और इसे अच्छे से हम मिलाकर भून लेते हैं 2 मिनट तक। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, मसाला भी हमारा भुंजा गया है। तो हम जो मसाले वाला जार है उसमें हम पानी डालकर इसे अच्छे से धोकर और इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे हम इस तरह से 2-3 मिनट तक मिला लेते हैं। तो 2-3 मिनट हो गया, तो फ्राई किया हुआ आलू हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम इस तरह से मिला लेते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाले हैं और इसे हम मिला लेते हैं। अब 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन से इसे ढक देती हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और मेरा दम आलू भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो गर्मा गर्मा आप सर्व करें, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप मेरे तरीक़े से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।